ए गाइस, मेरा नाम अश्वेत और आज हम फिर से खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट। और आज मुझे एक आइडिया मिल गया है, आज से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें हम माइनक्राफ्ट की सबसे ज़्यादा रेयर चीज़ें ढूंढने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाँ गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार ऐसे क्या बैठे और लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आपको पता चले कि मेरी अगली वीडियो कब से आने वाली। तो फिर तो अभी शुरू करते हैं। तो अब हम माइनक्राफ्ट की सबसे ज़्यादा हार्ड मिलने वाली चीज़ों में से सबसे इजी चीज़ निकालने वाली, आप समझ रहे होंगे, वो चीज़ है डायमंड। तो अब तुम बोलोगे अरे इसमें सर क्या नूब है तू यार, ये डायमंड तो सबसे ज़्यादा हार्ड मिलते हैं यार, ऐसे कैसे बोलो। अरे यार तुम लोग समझ नहीं रहे, डायमंड सबसे ज़्यादा हार्ड चीज़ों में से मिलने वाली सबसे ईजी चीज़ है। तो यार ये कैसा, अरे तू कहाँ से आ गया इधर? अरे यार लगता है इधर आसपास के स्पॉनर है शायद, ये वहीं से उठ के आया और ऊपर से बड़ा तेज घूम रहा है। ओ भाई, अब जॉम्बी को हाथ से मारने के लिए यार लाइक और सब्सक्राइब करना तो बनता है यार, इसे लाइक कर दो सबसे। चल यार क्या है, तो चलो अभी हम अपने इस वुड का ये करते हैं। ये क्या किया मैंने क्या किया यार, मैंने पीसी वाली चीज़ पॉकेट एडिशन में कर दी। वाह वाह। ओ भाई चलो यार, अभी मैंने स्टिक बना लिया और उसकी वजह से अभी एक्स्ट्रा क्राफ्टिंग हो गई, मेरे पास वुड भी कम पड़ गया। चलो एक और वुड ले लिया। अभी मैंने हैक्स नहीं लगा रहा हूँ, ये वीडियो थोड़ी सी फास्ट है, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ ऊपर से। अभी मैंने यहाँ से कुछ ये कर, एक दो मैं छः काटूँगा ताकि मुझे एक हैक्स मिल जाए, ताकि मैं थोड़ा वुड भी जमा कर पाऊँगा। अभी यहाँ से मैंने बनाया एक हैक्स और ये एक हैक्स। ओ भाई तू कौन है? फिर से एक और पक्का यहाँ पे स्पॉनर है यार, ये तो ऊपर से आर्मर बन, तो प्रोटेक्शन 4 वाला आर्मर चलेगा यार मेरे को आराम से। अब ये एक्स बने, इससे थोड़ा वुड काट लेंगे ताकि फिर नीचे कुछ काम आ जाए। अरे भाई, अरे भाई भाई भाई, दिन में भी तू कहाँ से मारने लगे यार? स्पाइडर दिन में तो किसी को हाथ भी नहीं लगा, और तू कैसे मारने लगे जान। चलो पेड़ पूरा काट लिया है, अभी ये केव के अंदर जाते हैं, थोड़ा देखते हैं कुछ होगा या नहीं होगा। अरे भाई ये पूरे पलटन बैठे हैं उधर, क्या करे वो भाई, मुझे लग रहा है मैं मरने वाला हूँ उससे। मेरे एक स्केलेटन कचरा जैसा पीछे पड़ा है, मेरे पास हेल्थ भी नहीं, मेरा फूड बार सब खत्म हो गया। मर, अरे मर, अरे मर, अरे मर, अरे मर गया, अच्छा मर गया, मर गया, मर गया, पूरी जगह खाली हो गई आखिरकार। अरे यार यहाँ पे तो एक नंबर, बहुत सारे जॉम्बीज मॉब्स बहुत भरे पड़े थे यार, इस जगह खाली करने के लिए यार लाइक और सब्सक्राइब करना तो बनता है यार। तो यार पता है मैं बहुत बोलता हूँ। तो अभी ये जगह खाली हो चुकी है और मेरा फूड बार पूरा का पूरा खाली हो चुका है। अभी के लिए तो मैं इधर से स्ट्रिप माइनिंग करूँगा शायद से, डायरेक्ट हमें डायरेक्ट नीचे से डिग नहीं करना है, हमें है ना मतलब दो दो के इसमें करना है। पहला तो मैं फूड जमा कर दिया, मैं ऐसे तो मर ही जाऊँगा नीचे, मेरे पास कुछ है भी नहीं खाने के लिए। और ऊपर से फर्नेस अभी मैंने ये अभी बनाया, मैं सीन कट किया था इसमें, अभी चलो घूमते थोड़ा। ओ भाई दिमाग ख़राब हो गया, फूड जमा कर देगा तो आयरन ले 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 लो ले लो, ऐसा क्यों आयरन छोड़ना नहीं चाहिए। अभी ऐसे भी मेरे को आयरन की पिकेट लगने वाली है, अभी मैं डायमंड ढूंढने जाऊँगा तो ये केव भी मैं याद रखता हूँ, थोड़ी देर में अगले दिन आऊँगा। मेरे को तो फूड ढूंढते ढूंढते रात हो गई अभी तो यार, फुल टाइम पास हो गया, इतने में मैं डायमंड ढूंढ के निकल लिया होता है, ढूंढने निकल जा रहा था, ये मेरे को स्केलेटन की वजह से टाइम पास हुआ। और अभी मेरे को थोड़ा फूड बनाना है, तो फिर यहाँ से पहले तो मैं इसको हटाता हूँ, पहले आयरन बनाने को डालते हैं, ये वुड निकाला आयरन थोड़ा सा, ये वाले में आयरन बनाएंगे और मैं एक और फर्नेस बना देता हूँ। चलो आई मीन मेरे को फर्नेस के लिए थोड़ा सा कॉबल स्टोन लगेगा यार, मेरे मुँह में शब्द नहीं आ रहा, ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं। ऐसे थोड़ा सा कॉबल स्टोन उधार ले लेते हैं, बाद में तुमको वापस कर देगा कॉबल स्टोन जनरेटर से, लावा से मतलब लावा और वाटर का मिक्सचर। यहाँ से अभी मैं एक और फर्नेस बनाता हूँ, यहाँ पे रख देते चलो। और अभी यहाँ पे अपने ये मटन डालेंगे, या फिर अभी मैंने बकरे मार के निकाला और अभी उसको पकाएंगे। अच्छा अच्छा खासा इसके जगह को खाली किया मैंने, दिमाग ख़राब हुआ यार, पूरा दिन ख़त्म हो गया मेरा इसकी वजह से, कि यार इतने में हमें डायमंड ढूंढने निकल जाता है यार, दिमाग ख़राब हुआ है। कब पकेगा? एक भाई एक और की थी, एक और के होती थी, वो होती है हम डायरेक्ट जाके वो ले ले अपना आयरन जो जमा हो रहा है वो ले, ये हो गया तीन, इसको खा लेते ये पलक जाके देखते हैं, वो हो गया, हाँ हो गया, वो हो गया, वो नहीं जल रहा है, अभी इसको पूरा खा लेते पहला, जल्दी जल्दी खाते चलो थोड़ा। अभी जाके मैं उधर से ये मेरा आयरन और वुड लेके भागो भागो, कोई आने से पहले निकल जाते, ये ले लेता हूँ। और अभी
कुछ स्टिक बनाते हैं, ये अलग से पिकैक्स बना ली मैंने और एक शील्ड बना ली, शील्ड बहुत ज़रूरत है। हाँ वो आर्मर पता है ना मुझे, प्रोटेक्शन प्रोजेक्टर प्रोटेक्शन का 3 कप का मिल चुका है अभी। अरे यार मैं ऐसे नहीं रुक सकता, मुझे वो फर्नेस लेना ही पड़ेगा, वो फर्नेस लेके जाते चलो। इसमें ऐसे भी मेरा का थोड़ा सा सामान पड़ा है ओके, और जल्दी आप फर्नेस कोई है तो नहीं, भागो 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 बराबर। अभी यहाँ से हम स्ट्रिप माइनिंग करना स्टार्ट करते हैं। ये 1 ब्लॉक वाली नहीं, ये सेफ है, ऐसी स्ट्रिप माइनिंग चलती है मतलब ऐसे 2 ब्लॉक के बीच में। अब तुम लोग को पता चलेगा, पहला तो मैं यहाँ पे मेरे पास टॉर्च नहीं, मैं इधर कोल भी नहीं मिला, मैं तो यहाँ पे चारकोल बनाते हैं। ये वुड को वुड लॉक्स को अगर हम स्मेल करते हैं तो उसका चारकोल बन जाता है। अब देखो ये बन गया चारकोल, क्राफ्टिंग टेबल जलाने से कुछ होता नहीं यार, मैं क्या कर रहा हूँ, एक चारकोल बन गया। अभी क्या करूँ मैं आपको यार, पता नहीं आज मेरा दिमाग ख़राब हुआ पड़ा है। ये तोड़ लेते हैं और एक और चार टॉर्च बनाते हैं। तो देखो भाई लोग, अभी आप लोगों को डायमंड्स ढूंढने गए, डायमंड्स बहुत ही नीचे मिलते हैं। अभी डायमंड्स कौन से कितना नीचे जाने में मिलते हैं वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप पॉकेट एडिशन पर खेलते हो तो आपको इधर ऐसे सेटिंग में जाना है, ये गेम्स में जाना है और पूरा थोड़ा सा नीचे जाने पर यहाँ पर शो कोऑर्डिनेट ठीक है उसको ऑन करना है ताकि आप लोगों को दिख जाएगा। वो देखो उधर अपना पोजिशन करके दिखाई दे रहा है अपनी जगह, हाँ वहाँ पे वो 40 लिखा है मतलब वो अपना वाई लेवल है। और अगर आप पीसी में खेल रहे हो तो अपने को चैट खोलना है तो ऐसे आपको पता चलेगा वो वाई लेवल है ना वो 38 है, अभी 36 35 34 हो गया। देखो हम लोग को है ना ऐसा मतलब वो अपनी नीचे डेप्थ पे मैक्सिमम हम लोग को उसकी 11 पे जाना है, वहीं पे हम लोग को डायमंड्स मिलने में बहुत आसानी होती है, वहीं पर डायमंड्स मिलते हैं। पता नहीं आपको पता रहेगा तो आप बहुत प्रो बन गए हो, मैं ही नूब हूँ एक नंबर का मैं जो बता रहा हूँ आपको। तो ना अभी जब मैं नीचे पहुँचूँगा तब मैं आपसे मुलाकात होगी। ओ भाई हो देखा, मैंने बोला था ना ऐसे करने से हम सेफ रहेंगे। अभी नीचे लावा रहता तो मुझे पता चल जाता। ओ भाई कितनी अच्छी जगह है, मतलब मैं पहले वो साइड ये साइड नहीं जाएंगे, हम पहले ये साइड जाएंगे, ये साइड पूरा चेक करके। अभी अगर अभी हम वाई लेवल 11 पे ही पहुँच गए, अभी एक तो हम स्ट्रिप माइनिंग करेंगे या फिर पहला केव एक्सप्लोर कर लेते हैं। मेरी ओर से तो मैं तो पहला केव एक्सप्लोर करूँगा क्योंकि ऐसी जो केव्स होती हैं जो वाई लेवल 11 पे होती है वहाँ पे 80% चांस रहते हैं मेरी ओर से तो कि हमें डायमंड्स ऐसे ही मिल जाएंगे। तो इधर थोड़ा सा मैं घूम लेता हूँ, आई मीन थोड़ा सा फिर आपसे मिलता हूँ। तो भाई लोग अभी वो साइड तो चेक कर लिया, अभी ये साइड क्या घटिया बात है, अभी मैं इधर से ऊपर से नीचे आया, मैं वो साइड क्यों गया, मेरे को डायरेक्ट ये साइड जाना चाहिए था। कोई ना अभी डायमंड ऐसे भी मिल गए हैं तो फिर ये रही मेरी आयरन की पिकैक्स, हम लेते हैं डायमंड और हमें मिल गई सबसे इजी सबसे हार्ड मिलने वाली चीज़ों में से सबसे इजी चीज़ इजी पीजी। तो अभी मैं इसको पूरा ले लेता, पूरा माइन कर लेता और अभी हम ऊपर जाएंगे। तो गाइस ऊपर जाने की क्या ज़रूरत है, इधर मुझे यार गोल्ड ले लेते, मतलब अभी आज की वीडियो का रेयर चीज़ तो मिल गया तो फिर आज का वीडियो हम मैं यही एंड कर सकता हूँ। वो आयरन है वो भी ले लेता यार, ये ऐसे भी बकेट बनाने ऊपर जाने के लिए वो साइड जाने की कोई ज़रूरत नहीं। चलो ये तो हमें डायमंड मिल चुके हैं, फुल 8 डायमंड्स मिले ऊपर से, ये मज़ा करेंगे उससे फिर। देखो तो ऐसे भी 4 ही चाहिए तो एक शोकेस में जाएगा। तो वैसे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और हाँ बेल आइकन भी दबा दो ताकि आपको इस सीरीज़ के आगे आने वाले एपिसोड के बारे में भी जानकारी मिले। और हाँ इसमें अभी मैं थोड़ा सा प्रोग्रेस कर थोड़ा घर घर बना के आपके आपसे अगले एपिसोड में मिलूँगा। तब तक के लिए गुड बाय। थंबनेल भी बन गया।